आज के इस धमाकेदार टेक्निकल वीडियो में जिस पर आपने क्लिक किया उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाँ क्या बताने वाला हूँ वो तो आपने टाइटल और थंबनेल में रीड कर ही लिए होंगे, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके पास भी लैपटॉप है, चाहे आपके पास लैपटॉप है या फिर नहीं है, यदि वो कोई सा भी डिवाइस हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर कोई सा भी डिवाइस हो, यदि वो ज्यादा हीट करता है तो उसे हम उस हीट को हम कैसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं, यानी रिपेयर कर सकते हैं, और उस मतलब हीट को जो हमारे लैपटॉप में होती है, हमारे स्मार्टफोन में होती है, उस हीट को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि मैनुअली आज का ये वीडियो बनने वाला है ओनली फॉर लैपटॉप यूजर के लिए, यानी उनका लैपटॉप इस गर्मी में तड़ाती इस गर्मी में ज्यादा गर्म होता है, तो वो लोग कैसे उस लैपटॉप को ठीक करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। इन 3 पॉइंट्स को आप ध्यान लगाकर सुनेंगे या समझेंगे तो आप एक अपने लैपटॉप को जैसे जिस प्रकार नया लैपटॉप होता है उस प्रकार अपने लैपटॉप को बना लेंगे। यदि आपका लैपटॉप भी ज्यादा हीट करता है तो इन 3 पॉइंट को जरूर समझे। पहला पॉइंट होने वाला है हमारा वेंटिलेशन को साफ कर। वेंटिलेशन क्या होता है, सभी लैपटॉप यूजर को पता होगा कि वेंटिलेशन कहां पर होता है और किस प्रकार का होता है। वेंटिलेशन में आपको मोटा मोटा बताऊं तो वेंटिलेशन एक प्रकार का फैन होता है। फैन के आसपास एक सीपीयू के आसपास आपको एक मतलब फैन देखने को मिलने वाला, जिस फैन के साथ मतलब चारों तरफ आसपास की जगह पर ज्यादा धूल जम जाती है, उस धूल की वजह से दोस्तों वो फैन थोड़ा कम काम करता है, यानी दोस्तों वो धीरे धीरे काम करता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा गति से नहीं घूमकर वो धीरे धीरे काम करता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका लैपटॉप हीट करता है। पहला कारण ये हो गया। इसका उपाय क्या होने वाला यानी कि दोस्तों इसका उपचार क्या होने वाला, इसका उपचार ये होने वाला है आप अपने वेंटिलेशन को समय समय पर ठीक करें। यदि आप अपने घर पर इस वेंटिलेशन को यानी अपने लैपटॉप को खोलकर नहीं ठीक करना चाहते तो आप इस लैपटॉप के अपने सर्विस सेंटर पर जाकर भी आप अपने लैपटॉप को या फिर वेंटिलेशन को साफ कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आने वाला है, यानी आज के इस वीडियो का हमारा दूसरा पॉइंट आने वाला है कि आप अपने लैपटॉप को जब भी चार्जर करें तो ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करें। ओरिजिनल चार्ज का मेरा मतलब यह होने वाला कि जो लैपटॉप के साथ आया चार्जर है उसी चार्जर से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करें, चाहे आपके पास लैपटॉप है या फिर स्मार्टफोन है। यह बातें तो आपके स्मार्टफोन पर भी लागू होती है। यदि आप अपने स्मार्टफोन को दूसरे किसी डिवाइस के साथ यानी कि दूसरे डिवाइस अदर या फिर थर्ड पार्टी चार्जर के साथ चार्जर करते हो तो दोस्तों वो जल्दी से चार्ज तो हो जाता है पर वो आपको स्मार्टफोन जल्दी हीट करता है, क्योंकि दोस्तों जितनी जल्दी वो चार्ज होता है उतनी जल्दी उसकी बैटरी डिस्चार्ज भी होने लगती है, यानी कि दोस्तों नीचे उतरने लगती है, जिसकी वजह से दोस्तों वो आपका स्मार्टफोन धीरे धीरे या फिर आपका लैपटॉप धीरे धीरे बैटरी खो देता है, और उस बैटरी खो देने की क्षमता के कारण वो धीरे धीरे गर्म भी होने लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का मैंने दूसरा पॉइंट भी आपको समझा दिया कि आप जब भी अपने स्मार्टफोन को या फिर लैपटॉप को चार्ज करो तो दोस्तों उससे ओरिजिनल चार्जर के साथ ही चार्ज करें। तीसरा हमारा पॉइंट होने वाला है दिन भर चार्ज को न लगाए रखें। यदि आपने एक बार चार्ज कर लिया अपने लैपटॉप को या फिर स्मार्टफोन को तो जब तक उस स्मार्टफोन की 15% से लेकर या फिर लैपटॉप की लिमिट से लेकर, यानी मान लो इस लिमिट के बाद आपको अपने लैपटॉप को यूज नहीं करना, वैसे मोटी मोटी स्मार्टफोन की बताऊं तो 15% के नीचे आप अपने स्मार्टफोन को कभी भी यूज ना करें। 15% के नीचे स्मार्टफोन बिल्कुल लीक करने लगता है, यानी हैक मतलब हैंग होने लगता है साथ ही, और आप अपने स्मार्टफोन को यदि बार बार चार्ज करते हो तो दोस्तों ऐसा भी आपको कभी नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि आप अपने स्मार्टफोन को या फिर लैपटॉप को कब तक चार्ज करना चाहिए, दोस्तों मैं आपको मोटी मोटी बताऊं तो दोस्तों 10% से नीचे आपको कभी अपने लैपटॉप और स्मार्टफोन को चार्जर नहीं रखना चाहिए, साथ ही 90% से ऊपर आपको कभी भी नहीं ले जाना चाहिए। साथ ही इन दोनों के बीच में आप अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई 3 धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स जो दोस्तों आपका स्मार्टफोन या फिर आपका लैपटॉप हीट करता है उनसे रिलेटेड है, वो आपको कैसे लगे आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी धमाकेदार एंड मजेदार टेक्निकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसे धमाकेदार टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।